बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हर जुम्मे को रात में या दिन में सूरे कैफ ज़रूर पढ़ा करें, इसलिए कि हदीस पाक में आया है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरे कैफ पढ़ लेता है, उसके लिए उस जुम्मे से आने वाले जुम्मे के दरमियान पूरा हफ्ता एक नूर रोशन रहेगा। एक और हदीस में आया है कि जिस शख्स ने सूरे कैफ की अव्वल 10 आयतें हिफ्स कर ली और पाबंदी से पढ़ता है, वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। एक रिवायत में है कि जो शख्स सूरे कैफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले और हमेशा पढ़ता रहे, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हदीस पाक में ये भी आया है कि जो शख्स दज्जाल को पा ले, यानी वो उसके सामने निकल आए, उसको चाहिए कि सूरे कैफ की इब्तदाई 10 आयतें उसके मुंह पर पढ़ दे, इसलिए कि ये आयतें पढ़ने वाले के लिए उसके फितने से पना देने वाली हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरे कैफ पढ़ ले, वो 8 रोज तक हर फितने से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आए तो वो शख्स उससे भी मासूम रहेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कैफ पूरी की पूरी एक वक्त में नाजिल हुई और 70 फरिश्ते इसके साथ आए, जिससे इसकी अजमत शान जाहिर होती है।